सच में थोड़ी देर में चली जाऊंगी, विदाई होने वाली थोड़ी देर में। ले बिंदी लगाई हुई है, दुल्हन बनी फोटो दिखा दिया, वो और क्या दिखाना तुझे। YouTube चैनल सो इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मुझे टाइफाइड हो गया था, वो एक हफ्ता पहले की बात है, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह उठो, फ्रूट्स खाओ, नारियल पानी पियो, दवाई खाओ, सो जाओ। दोपहर को फिर उठ के ये करो, फिर सो जाओ, फिर रात को उठो, दवाई खाओ, नारियल पानी पियो, फ्रूट्स खाओ और सो जाओ। यही रूटीन चल रहा था, तो कुछ भी शूट नहीं किया रेस्ट पे थी एक हफ्ते से। बट आज मैं अपनी क्लास भी लगाई है, और अभी इट्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर का 1 बज रहा है। अभी फिलहाल मैं ही शाइना के घर, एक्चुअली मैं सुबह क्लास लगाने गई थी, घर पड़े पड़े बोर हो गई थी मैं, तो पीछे से शाइना आई थी मुझे देखने के लिए। मम्मी का फ़ोन आया था, मैं कहा चलो जाते हैं, मैं शाइना को मिल के जाती हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स जो मैंने बीमार होने से पहले की हुई थी तो आज वो भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरी भी हेल्थ की वजह से किसी का काम भी नहीं रुकना चाहिए। तो एक शूट के लिए कमिट किया हुआ था, आज वहाँ जाना है, तो पहले शाइना से मिलते हैं और उस पर फिर वहाँ चलते हैं। बाय बबी, बाय नानी, बाय कर दो, बाय नानी, बाय बाय, मासी जा रही है, बाय मामा, बाय मामा, ऐसे आएगा मुंह पर, बाय मामा। अकल नहीं है तुझे, तू 5 मिनट के लिए आती है हमेशा। इधर देख के बात करते हैं कैमरा में, नानी तो बीमार बंदा खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। खास बंद कर, तू नहीं कहा था कि मैं आना चाहती हूं। वो भी बोल रही है, मम्मा चुप करो आप, ज्यादा ना बोलो। ए रिकॉर्ड में आया, तूने उसको ऐसे करा ना, पापा भी देखेंगे। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, बाय, टाटा, टेक केयर, आई लव यू ब्रो। अच्छा, आई लव यू ब्रो। तो जैसे कि बताया था आज शूट है, किस चीज़ का शूट है मैं बता देती हूँ। जहाँ पे मैं सैलून में आती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया है व्यूज़, तो वहीं पे ब्राइडल शूट के लिए उनको मॉडल रिक्वायर्ड थी, तो भाभी ने मुझे बोला कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप आ जाओ। तो काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, बट फाइनली आज थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तो मैंने बोला ठीक है आ जाते हैं। बाकी भाभी नहीं है यहाँ पे, बाकी सब कुछ प्रिपेयर्ड, आप देख सकते हो आज तो भाई ब्राइडल लुक देने वाले हैं। बाकी लुक के लिए आप आगे स्टे ट्यून फॉर दैट। दिस इज द लहंगा दैट आई एम गोइंग टू वियर। फोटो में तो रेड लग रहा था, बट एक्चुअल में मैजेंटा है, मुझे नहीं पता था मैजेंटा है। चलो ठीक है, सही है। अभी जस्ट मैंने ब्लाउज डाला है, चूड़ा डाला है, कलीरे डाले हैं, भाई शादी वाली फील नहीं आ रही बिल्कुल भी, पता है शूट है इसलिए नहीं आ रही। बाकी मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं पहले से उस चीज़ के लिए, और यहाँ है हमारा लहंगा जो आज मैं डालने वाली हूँ। ये कलर बड़ा प्रीटी है, सच कह रही हूँ, मतलब मेरे को बहुत पसंद है मैजेंटा कलर ऐसे भी। तो फटाफट से एक रील का टेक लेना है बिफोर, मतलब तैयार होने से पहले वाला, तो वो लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करवाते हैं मेकअप। और भाभी करने वाले आज मेरा मेकअप, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो बिफोर मेकअप के जितने भी क्लिप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं मेकअप करने, उसके बाद हम आके पाएंगे इस लहंगे को, तो फटाफट चलते हैं। पे मेरा मेकअप तो हो गया, बारी है एक्सेसरी लगाने की, तो चल रहा है अभी, कंटिन्यू कंप्लीट हो जाए फिर मैं कंप्लीट दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही हूँ। फाइनली डन विद माय मेकअप एंड ज्वेलरी, अभी लहंगा बाकी पे शूट स्टार्ट कराएंगे। पता नहीं मुझे भी कैसी लग रही है, मुझे खुद को बहुत पसंद आ रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई अच्छे लग रहे हैं नहीं। शादी से पहले ही वो दुल्हन वाली फीलिंग आने लग पड़ी है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाभी, मतलब अगर आप लोग भी अम्बाला में रहते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, तो प्लीज भाभी को कॉल कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस वगैरह सब डाल दूंगी, तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। दिस इज माई फाइनल लुक, कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ। सो फाइनली डन विद द शूट एंड 7:30 इन द इवनिंग, अब लगी हूँ चेंज करने कपड़े,
क्योंकि बहुत थक गई हूँ भाई, पैरों में दर्द हो गया अब तो। थैंक यू सो मच भाभी, आई जस्ट लव दिस लुक, मज़ा आ गया। मतलब अब शादी के लिए एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई है मेरी, तो तब तक के लिए अभी फिलहाल इसको देख देख के खुश होते हैं और फटाफट चेंज करती हूँ। और मम्मी का फोन आ गया, अब घर चलते हैं भाई फटाफट। बाकी कमेंट करके बताना यार लुक कैसी लगी सभी। आधे से ज़्यादा रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए हैं। एक छोटी सी स्टोरी लगाई थी, अभी सोचो पता नहीं है शूट का, और एक फ़ोटो डाल दी पूरी तो क्या ही होगा। डालते हैं यार, मज़े लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं आ गई हूँ अपनी फॉर्म में वापस, मेकअप नहीं उतारा अभी, बस मेकअप उतारते हैं फिर घर जाते हैं। फाइनली अब जा रही हूँ मैं घर। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आज, थैंक यू। तो आप एक बार अपना एड्रेस बता दो अगर कोई आना चाहे तो। हमारा 14B गजेंद्र नगर, केडी वाली गली में सीधा अंदर आके लाइक पंजाबी ढाबा आता है जहाँ पे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे टैग कर दीजिए। हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ब्लेसिमा के नाम से है, बेलेसिमा ब्यूटी। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके। सच में थोड़ी देर में चली जाऊंगी, विदाई होने वाली है थोड़ी देर में। बिंदी लगाई हुई है यार, दुल्हन बनी फोटो दिखा दिया, और क्या दिखाना तुझे। शादी नहीं करूंगी मैं क्या? ये तुम तो मेरे को बद्दुआ दे रहे हो फिर तो। मेरे साथ चल रही हो ना, चल फिर तैयार हो, कपड़े पा चले। कहाँ चलो, एक्टिवा पे कौन बैठ रहा है? एक्टिवा पे जाएगा फिर? मेरा दूल्हा कैसे आएगा एक्टिवा पे? बकवास कर रहा है। चल उतर रही, मेरे को तो जान दे, मैं दूल्हा लेने जा रही हूँ अपना। One hour later. रात के 8 बज गए भाई, अभी रेडी हो गई हूँ, शादी में जाना है। मेरा स्टूडेंट है, उसकी सिस्टर की शादी है, तो उसने इनवाइट किया। शिवम भी इनवाइटेड है, वो शिवम का फ्रेंड है, तो शिवम भी हमारे साथ ही जाने वाला है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी पापा रेडी हो गए, नीचे आ रहे हैं। शिवम भी अपने घर से निकल गए अपनी मम्मी के साथ, वो भी आता ही होगा, फिर निकलते हैं हम लोग शादी में। आज खूब मस्ती करेंगे। जब से तबीयत खराब थी ना, घर पर भी मार वाला खाना खा रही थी, दूध से दलिया ये वो, अब शादी में जाके अच्छा अच्छा खाना खाने का मौका मिलेगा आज। अम्बाला का ट्रैफिक फिर से जाम में फंस गया अब हम। अम्बाला की सड़कों पे जाम खत्म ही नहीं होने पे आ रहा है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता रहे। तो शादी में माया आम्रपाली, यार कैमरे की क्वालिटी को क्या होता है, जरा खराब होती जा रही है, अब ठीक लग रहा है। शादी में माया आम्रपाली, बाकी ये शिवम, उसकी मम्मी, मेरी मम्मी और पापा, और अभी जस्ट मेरी शूटिंग कर रहा है तू। दो चार तूने फोटो खींची और कह रहा गोलगप्पे खान चलो, भाई थोड़ी शर्म कर ले। तो पहले फोटोज, उसमें लिपस्टिक का चांस नहीं ले सकती। लाई हूँ मैं लिपस्टिक, बट मैं चांस नहीं ले सकती। पहले फोटोज, वीडियो, उसके बाद खाना पीना, डांस, मस्ती। पेट को कभी भी सब्सक्राइब ना करो, सक्रीफाइस तो कर ही रहे, खाएंगे ना, और थोड़ा रुक के खाएंगे, जब भूख लगेगी तो खाने का स्वाद ही अलग आएगा। शादी में खा पी लिया, बाहर बारात आ गई उधर, बट अब हम लोग तो जा रहे हैं, बाहर जाके ही करती हूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि यहाँ तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं। ढोल बंद हो गया, मैं बोलने लगी हूँ, समझ रहे हो कितनी वैल्यू है मेरी। ढोल बंद करा दिया मैंने बोलते बोलते। एनीवेज अब घर निकल रहे हैं, हमने खा पी लिया, बारात जस्ट एंट्रेंस पे, काफी लेट हो गया, 11:30 बज गया, तो हम निकल रहे घर। चलो भाई बैठो बैठो, सारे बैठो, आ जाओ शिव आंटी, आ जाओ। मैं तो आती बैठी, जब अंदर थे ना तब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, अब बाहर आ गए ना गाड़ी में बैठ गए, अब लग रही है। मतलब जब तक पता है फोटोज क्लिक करवानी है, वीडियोस बनवानी है, तब तक तो कोई ठंड नहीं लगती, जब पता है फोटोज हो गई वीडियो हो गई फिर ठंड लगने लग जाती है। बाकी अब खा पी लिया, शादी अटेंड कर लिया, 12:15 का टाइम हो रहा है और अब घर निकल रहे हैं हम। घर आ गए हैं, अब ऊपर जाके कपड़े चेंज करके एडिटिंग करूंगी, सोच रही हूँ ये वाली वीडियो कल डाली दूँ, बाकी देखते हैं जो भी होता है। आई थिंक इस ब्लॉग को इतना ही लगता है, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।